नमस्कार देवियों और सज्जनों, थोड़ी सी कहानी आपको समझा देना चाहता हूँ। यहाँ पे हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। लास्ट गेम याद है आपको, पौला मडेरा जिसको हम लेके आए थे, बट उसने आने से मना कर दिया। सी रिफ्यूज की वो ज्वाइन नहीं करेगी, और उसी को कन्विंस करने के लिए उसका उसके हस्बैंड के बारे में हमने पता किया है कि कहीं वो किसी हॉस्पिटल में है, तो उसके हस्बैंड से मिलने जा रहे हैं हम, ताकि उसकी खबर दे के पौला को किसी तरह से हम कन्विंस कर सके कि वो हमारे साथ ज्वाइन कर सके। ज्वाइन क्यों कर सके, क्योंकि यहाँ पे जो ये हमारा जो मेन विलेन है इस गेम का, उसके पास एक बहुत खतरनाक सा हथियार है, जो वो काफिला है ड्रोन्स का, उसकी मदद से वो कुछ भी डिस्ट्रॉय कर देता है, और उसी को सबसे पहले नष्ट करना चाहते हैं हम। और ये पौला मडेरा एक सीनियर टेक्नीशियन समझ लीजिए आप, जिसको पता है कि एक मिनट में जरा मैप पे मार्क कर लेता हूँ मुझे एग्जैक्टली ठीक है। सो, ये सीनियर टेक्नीशियन, इसे पता है कि कैसे डिस्ट्रॉय करना है, कौन सा वायरस क्रिएट करना है ताकि हम उसको नष्ट कर सकें। अब ये तो कहानी हुई पौला मडेरा की, साथ साथ एक स्टोरी और चल रही है, डोरोविच या डोगरो कुछ नाम था उस बंदे का, याद है आपको, जो जिसने पौला मडेरा के बारे में जानकारी दी थी, याद है आपको वो बंदा जिसको मैं जेल से छुड़ा के लेके आया था। उस बंदे से बातचीत की मैंने, और कुछ ऐसा फील हो रहा है कि कुछ बातें हैं जो छुपा रहा है, उसने बताई नहीं है। अब वो एक मिनट यहाँ पे, सॉरी, हाँ, तो ऐसा फील हो रहा है कि वो कुछ छुपा रहा है हमसे, तो उसके बारे में पता करना है कि ऐसा क्या है जो वो हमसे छुपा रहा है। और मैं थोड़ा यहीं लैंड करता हूँ, क्योंकि आगे दूसरों काफिला काफी ज्यादा है। अब इसी, ये हॉस्पिटल है इतना, तो यही कहीं पे बंद है पौला मडेरा साहब के पति देव, और उनको ही लेके मुझे यहाँ से निकलना है, या फिर उनसे मुलाकात करनी है, उनके हेल्थ के बारे में जांच पड़ताल करनी है। बट आगे बढ़ने से पहले जरा हम माहौल को देख, क्योंकि यार यहाँ पे हीट सिग्नेचर कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि अंदर जाते ही एक वाव वेपर क्रेट भी है यहाँ पे। सो ये तो कन्फर्म है कि हाँ, यहाँ पे दुश्मनों का काफिला काफी ज्यादा है। और थैंक यू सो मच यार, लास्ट गेम प्ले जो आपने कमेंट्स किए उसके लिए थैंक यू सो मच, और कुछ कमेंट्स बहुत अच्छे भी आए हैं, जो मैंने बोला ना कि काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं गेम्स में आप लोगों से सीखता हूँ। कमेंट्स में कुछ चीजें और मालूम चली मुझे, लाइक सिंक शॉट, जो अब तक मैं यूज नहीं कर रहा था, बट अब मैं यूज करूंगा उसको, बिकॉज कमेंट्स आए थे। तो थैंक यू सो मच यार गाइड करने के लिए, बताने के लिए, क्योंकि मैंने पहले बोला ना कि हर आदमी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है आपको, हर इंसान से, तो ठीक वैसे ये गेम में बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को सीखी हैं। और इस गेम प्ले में आज हम यूज़ करेंगे सिंक शॉट का, यानी कि मैं मार्क करने के बाद एनिमीज को, यार कितने सारे स्नाइपर हैं यहाँ पे छत पे, काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, चलो ठीक है मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये है हमारा लोकेशन, और यहाँ कहीं पे बंद है ये रहे। ऑलराइट, लेट्स डू दिस। पहले काम कर, थोड़ा करीब चलते हैं, और जितने को हम यहाँ से आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं वो करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 297 मीटर्स, 184 मीटर्स, 219 मीटर्स। नहीं, दोनों को स्नाइपर से नहीं लेना, सही नहीं रहेगा। पूरा काफिला है यहाँ पे दुश्मनों का, और ये देखिए इसका मुंडी दिख रही थोड़ी सी मुझे, बस ये स्नाइपर लाइट होती तभी मजा आता, लेकिन ओह शिट। थोड़ा सा एक डाउट हुआ है, कुछ भी से हलचल तो हुई तो नहीं है,
बट आराम से आगे बढ़ते हैं। एक बार ध्यान रखना होगा यहाँ पे चॉपर है कि अगर यहाँ से बाहर निकलना हुआ तो वहाँ से आराम से निकल सको। मैं आपको दिखाता हूँ स्लिंग शॉट किस काम में आता है और कितना बेहतरीन चीज़ है ये। स्लिंग शॉट गया मेरा उसके पास, एक स्लिंग शॉट इसके पास गया। अब जैसे मैं इसको मारूंगा किसी एक को स्लिंग शॉट उसको मार देगा लाइक दिस। एक मिनट, अरे यार शिट, सब प्रेशर कैसे भूल जाता हूं मैं, शिट यार। एनीवे कोई बात नहीं, एटलीस्ट जो रिइंफोर्समेंट बुला सकता था उसको हमने मार दिया है तो कोई है यहाँ पे उसका कोई इशू नहीं है। ड्रोन से दूर रहने में भलाई है क्योंकि अभी फिलहाल मैं इनके नजर में नहीं आना चाहता क्योंकि एनिमीज बहुत सारे हैं, सारे एक साथ घेर लेंगे फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अच्छा ये हुआ कि अभी आराम से आगे बढ़ते हैं। ओह माय गॉड, आर्मर बहुत ज़्यादा है, आवाज़ बहुत आएगी फिर दुश्मनों को मेरे बारे में मालूम चल। एक मिनट यहाँ पे कुछ इंटर है, चेक करते हैं इसको। क्या हो गया, कौन नो कर रहा है? दुश्मन पहले समझ जाता है, मैं ले लेता हूँ, आता हूँ फाइंड। हाँ यही तो है मडिराज हस्बैंड। इसको न्यूरोलॉजिकल सेंटर में रखा गया, इट शुड बी इंडिकेटेड ऑन द रोआ हॉस्पिटल प्लान। ऑलराइट, नहीं मार रहा मैं किसी को, क्यों टेंशन ले रहे हो? फाइंड क्लू द डेविड मेटल इन द रूम मेटल वाज इन द न्यूरल सेंटर। रिलैक्स, जस्ट चिल। कम ऑन, कौन है यार? हॉस्टाइल हिट। जब दुश्मन सामने हो तो उसको ठोक देना चाहिए, पहले बोला मैं चिल्लाते नहीं हैं। एक गोली डालो भेजें बात खत्म, हम चलते हैं ऊपर। आई डोंट नो किस फ्लोर पे है वो, लेकिन फिर भी अच्छा। ऊपर आने का रास्ता ही है क्या? थोड़ा सा गन का कुछ पार्ट्स यहाँ पड़ा हुआ है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं क्योंकि इस गेम में आप एक गन्स जितने अच्छे हो ना उतना बढ़िया। बट कोई आ ना जाए बस, बहुत बढ़िया। पिन कर लेते ताकि बाद में जाके इसे चेक कर सकते। वाओ मजल। पचास मीटर आई थिंक नीचे की ओर दिखा रहा है, ये नीचे वाले फ्लोर पे होंगे। पावला मडेरा जी के हस्बैंड जी,
जब से रेजिडेंट एविल 7 खेल रहा हूँ ना, मुझे भरोसा उठ गया इस शादीवादी से। अगर आपने पहला एपिसोड देखा होगा वाइपर पे, क्या खतरनाक था वो। रेजिडेंट एविल 2 मैंने खेला है, बैटल पे ही खेला था अपने इस चैनल पे, बट रेजिडेंट एविल 7 बायो हजार्ड मैंने शुरू किया है वहाँ पे। दैट्स अ गुड गेम, मज़ा आया पहला एपिसोड खेल के। है कौन ये, किसको मेरी लोकेशन पता है? एनीवे लेट्स गो। कोई ड्रोन है शा। ये रहा यार, तो यहाँ भी पेपे पे कर रहा है, मैं जरा बंद करके आते हैं इसको। काफ़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, और वैसे भी गेम थोड़ा सा फ्यूचर का बनाया गया है ना, मतलब शायद 2022 या 23 ऐसा कुछ करके है। आई डोंट नो, लेट्स चेक इट आउट। फाइंड मर्डरर्स हस्बैंड, चेक योर इंटेल इन द पॉलिस। ओके लेट्स अब थोड़ा सॉल्व करते हैं इस क्लू को। पेशेंट नेम डेविड मडेरा, जिसके हस्बैंड का नाम है सर, प्रेजेंट विद इंक्रीज डिग्रेडेशन ऑफ लोअर एंड अपर मोटर न्यूरॉन्स इन डायग्नोसिस एमेट्रोफोबिक लेटरल एलएलएस प्लेस्ड इन क्रिस्टोसिस अंटिल एन इफेक्टिव एलएलएस ट्रीटमेंट डेवलप्ड। जेक स्केल हैज पर्सनली ऑथराइज मिलियंस ऑफ डॉलर रिसर्च फंडिंग टू फाइंड क्योर फॉर एलएलएस रिसर्च इन ऑन गोइंग। ऐसी कौन सी बीमारी हो गई इनको? गो टू द इटर्निटी सेंटर, मर्डर हस्बैंड ट्रांसफर टू इटर्निटी सेंटर इन लैबोरेटरी प्रोविंस, इट इज अलॉन्ग द रोड हेडिंग टॉर्स। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक बार चेक करते हैं मैप पे है कहाँ पे ये इटर्निटी प्रोविंस, ये यहाँ पे है। अच्छा अच्छी बात है, ज़्यादा तकल्लुफ नहीं करना पड़ेगा। चॉपर था यहाँ पे कहीं, देखा ये रहा ये रहा। अरे उसको मार्क करना है, क्या कर रहे हो, यहाँ मार्क करो ना। चलो ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे वहाँ से। मैं सोच रहा हूँ कोई एक मिशन खेलूंगा सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वेपन्स क्राफ्ट वेपन्स के लिए कुछ ज़्यादा ही, ये बुलेट प्रूफ ग्लास है टूटेगा नहीं, वेपन्स के लिए कुछ ज़्यादा ही हमें। अब जैसे बाकी लोग खेलते हैं आप खुद देखो अगर उनके लेवल से, उनके वेपन्स बहुत खतरनाक होते हैं बिकॉज वो एक्सप्लोर मिशन ज़्यादा करते हैं, लेकिन मैं मेन मिशन पर ध्यान देता हूँ, इसलिए मेरे वेपन्स मेरे आइटम्स थोड़े से लो लेवल्स के हैं। और मैं चाहता हूँ एक मिशन खेला जहाँ पे चीज़ों को जाके थोड़ा सा आइटम वगैरह फाइंड करें, अटैचमेंट वगैरह वहाँ जाके निकालें ना। सॉरी अगर मेरी आवाज़ थोड़ी क्लियर ना हो, दरअसल मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, इसलिए मैंने कल मैं इंस्टाग्राम पे लाइव भी आया था ये चीज़ इन्फॉर्म करने के लिए। प्रेशर निकालो थोड़ी सी, थोड़ा सा आपका पावर बढ़ जाता है वेपन का। सॉरी चलो चलता है इटर्निटी सेंटर, काफी सारे आइटम देखो मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ये बाकी लोग नहीं करते वो पूरा लूटते हैं, लेकिन एनीवे कोई बात नहीं, फिर कभी आ जाएंगे यहाँ पे, मैं एक मिशन खेलूंगा जरूर लेकिन एक्सप्लोर करने के लिए। थोड़े सौ पैसे इकट्ठे हो फिर मैं वो खरीदता हूँ, एक परचेज करूँगा। कौन है यार, एक चॉपर अच्छी वाली जिसमें वेपन्स लगे हो। यहाँ पे है उसके हस्बैंड को ट्रांसफ़र किया क्योंकि उन्हें कुछ खास तरह की बीमारी है, आई डोंट नो, एएलएस करके, और काफ़ी सारे उस पर पैसे वैसे भी खर्चे किए जा रहे हैं उनको बचाने। एक मिनट ये काम करते हैं, पहले थोड़ा सा कहीं यहाँ लैंड करते हैं।
ये ड्रोन छोड़ने वाला मशीन, इसी को सर हमें वो डिसेबल करना है। एनीवे जरा सा हम एक काम करते हैं, आराम से चाचा, आराम से आराम से आराम से, गिरना नहीं गिरना नहीं गिरना नहीं गिरना नहीं। थोड़ा माहौल की जानकारी ले लें। हेवली गार्ड, हाँ ये है तो नाम लेते ही दिख गया, हेवली आर्मर वाले गार्ड भी हैं यहाँ पे, लेकिन ज़्यादा। चलो अच्छी बात है कि मैं रास्ता सही मैंने चूज़ किया है, मैं पीछे से लेने वाला हूँ, मतलब पीछे से रास्ते पे जाने वाला हूँ, तो मुझे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आराम से चले जाएंगे हम। वाह ओपन, ठीक है आगे बढ़ते हैं। और क्या कोई यहाँ पे ऐसे दूर तक है? नहीं फिलहाल, मैं थोड़ा ओपन क्रेट चेक करता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे आराम से। लेट्स गो। थोड़ी यार मेरी तबीयत खराब लेते ही थोड़ी सी तबीयत मेरी नॉर्मल हो जाए, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, बाकी गेम्स भी लेके चलूँगा, बट अभी थोड़ा सा डाउन है इसलिए एक ही गेम में उठा रहा हूँ, ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो, मैं नहीं चाहता कि कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाए। सो लेट्स गो। अरे ये जो उसके फेस पे मास्क है ना, वो पेंट, वो मुझे परचेज कर रहा है, मुझे बड़ा पसंद है वो, लेकिन काफ़ी महंगा है, बहुत महंगा है। अरे यहाँ पे हर चीज़ आप, ये जो अभी भी मिला ना हमें, ये कितने मिले, स्किल क्रेडिट 16, इसी से यहाँ पे चीज़ें आप बाय कर सकते हो। मेरे पास वक्त 20-25 हज़ार है, बट अभी मैं खर्चा नहीं करना चाहता, मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ एक हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए जो वेपन वाली होती है, इसलिए मैं थोड़े पैसे बचा रहा हूँ अभी। इसके ऊपर ये मार, एक मिनट कोई है, इसके सिर के ऊपर एक मार्किंग बता रही है कि इसके पास कोई जानकारी है जो मुझे चाहिए, तो काम करते हैं, इसके टांगों में गोली मारते हैं। अब इसे उगलवाते हैं, क्या जानता है ये, बट एक काम ना करें, आगे बढ़ने से पहले जो ये गार्ड्स हैं इनको ना मार दें हम। अब देखते हैं क्या है जानकारी इनके पास। I told you everything. Everything I know. I don't know anymore. कोई स्क्वाड के बारे में जानकारी दी इसने? I don't know. Okay, let's. Looks like कोई करीब आ रहा है. I think. ये है. आर्मर्ड वाला बंदा है ये. दो गार्ड्स और उनको भी खत्म कर देते हैं लगे हाथों ना, वरना अगर उन्हें डेड बॉडी मिली फिर वो रीइंफोर्समेंट को बुलाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। ये है क्या? बस आई थिंक पूरी, हाँ क्लियर हो चुका, कोई रेड मार्किंग तो नहीं आ रही यहाँ पे। चलो ठीक है, अब फटाफट जाके मिस्टर मडेरा से मिलते हैं और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन उनके पास है हमारे लिए। एक मिनट, हीट सिग्नेचर काफ़ी सारे आ रहे हैं यहाँ पे, ये खतरे से खाली नहीं है भाई, गार्ड सिर्फ बाहर ही नहीं अंदर भी है।
कोई आ रहा है। थोड़े बहुत इंटेल यहां पे ऐसे निकालते हैं, फिर जाके मिलते मुलाकात करते हैं उनसे। फाइंड मडेराज हस्बैंड, हस्बैंड इज द बेसमेंट। अच्छा बेसमेंट था, तभी तो वो जो वेपन का साइन आ रहा है क्रेट का, वो जमीन के नीचे से आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे कोई अंडरग्राउंड बेस बना रखा है इन लोगों ने। मेरे लिए यहाँ ऊपर कुछ है या मैं जाऊँ नीचे? एक मिनट, लेकिन नीचे आने का रास्ता भी तो होना चाहिए। What is this now? बाहर रास्ता, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देयर मस्ट बी अ वे टू। अच्छा ये नहीं आ रही है, तो ये भी शायद बाहर जाने का रास्ता ही है। माय गॉड, फिर ये बेसमेंट का रास्ता कहाँ पे है? अच्छा यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ठीक है ठीक है। स्टोरेज, स्टोरेज है इनका। लेट्स डू दिस। हीट सिग्नेचर यहाँ दिख रहा है, मतलब कि अरे अच्छा सॉरी, सिविलियंस हैं, अच्छी बात है। और यहाँ पे है हमारे काम की चीज, देखते हैं क्या मिलता है उसमें। ओह माय माय माय, लुक एट दिस, आर यू 1 2 SG ब्लूप्रिंट। चलो इसे परचेस करेंगे। कंप्लीटेड कुछ, कंप्लीट आई डोंट नो, मैंने कुछ देखा नहीं। ये ऐसा लग रहा है कि यू नोटिस द नेम मडेरा रिटन ऑन वन ऑफ द साइरो क्यूब। अच्छा ये साइरो क्यूब जिसमें ये बंदे सो जाते हैं, इनको पता भी नहीं होता। और चेक दिस आउट, आई हर्ड दे लॉस्ट वन ओवर ब्रैथी ग्लैम। लॉस्ट वन व्हाट? व्हाट डू यू थिंक? अ बॉडी, होली शिट, दे लॉस्ट अ बॉडी। या ये टू हैक, फिगर आउट हू टुक इट, इट्स लाइक इट गॉट अप एंड वॉक्ड आउट। ओह माय गॉड, can you imagine if one of the popsicles just got up and started walking around? That's the rumor going around. Oh man, those idiots are all gonna get fired. Not that there's anywhere for them to go. Ah, well shit. I take it you're Mr. Madeira? Oh. वो तो ठीक है, बट मडेरा साहब से बात नहीं होगी। ऑलराइट ऑलराइट, मडेरा साहब के बारे में कुछ जानकारी मिल तो गई है, बट या ऑलराइट, ओके नो प्रॉब्लम। वाओ हे बेबी, आपको नहीं। चलो ठीक है, यहां से निकलते हैं। आई होप चॉपर मेरा पास में ही हो, वरना पंगा पैजवे होने का खतरा उठाना उठाना पड़ेगा। कम ऑन कम ऑन, नाइस 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 नाइस। हाय, नो नीड टू बी अफ्रेड, प्लीज लीव मी अलोन। रीजन ये है कि मेरे पास जो ये थर्ड वाला वेपन है ना, ये वाला अगर इसमें इसको शूट करता हूँ, रिलैक्स गाइस रिलैक्स, शूट करता हूँ तो आवाज़ होती है, बिकॉज इसमें मैं अटैचमेंट नहीं लगा सकता, यानी कि सप्रेसर इसमें नहीं फिट होता। तो मुझे एक ऐसा वेपन चाहिए होगा जिसमें मैं सप्रेसर लगा सकूँ। और MP5 जहाँ तक मैं जानता हूँ, MP5 ही था ना शायद, हाँ मैं भी अराउंड हूँ, याद नहीं आ रहा, तो उसमें मैं सप्रेसर लगा पाऊंगा। और उसके बाद कम से कम वो भी साइलेंट
वेपन की तरह काम करेगी। मैंने यहीं कहीं चॉपर रखी थी यार, एक हाँ ऊपर है शायद। कहाँ चली गई? अरे यार शिट, बेसिक द मैप। यहाँ पे गाड़ी तो है, इनवे जाना कहाँ है? सीजन साउथ केप स्टेशन, टॉक टू पॉला मडोरा। और पॉला से बात करते हैं, उसके हस्बैंड के बारे में उसको जानकारी देते हैं। वेर इज पॉला मडेरा, वेर इज पॉला मडेरा? अब शायद अपने हस्बैंड के बारे में जानने के बाद कि हाँ वो सही सलामत है, ठीक ठाक है, मे बी वो अब हमारा साथ देने के लिए तैयार। अब आप सोचो यहाँ पे एक छोटा सा मिशन कितने सारे पार्ट्स में डिवाइड है। सिर्फ पॉला मडेरा को लेके आने में मैंने कितने सारे मिशन कंप्लीट किए। इसको खोजना, इसके बारे में जानकारी लेना, इसकी फाइल्स पता करना, इसके पड़ोसी से जानकारी, इसके हस्बैंड को पता करना, उसके बाद इसको उठा के लेके आना, नहीं मतलब काफ़ी सारे, बहुत सारे मिशन कंप्लीट करने पड़े सिर्फ एक किसी एक चीज़ के लिए। मिशन नियर बाय ऑफ रोड, ऑफ रोड पैक भी मुझे मिला हुआ। मैं कभी, ओह माय गॉड, एक चॉपर यहाँ भी है, वही उड़े, वही लेके उड़ेंगे यहाँ से। रिलैक्स गाइस, मैं किसी की लेने नहीं आया हूँ जान। हेलो, Where have you been? I visited your husband. What is that supposed to mean? I found the Eternity facility. While I was there, found this research. What? What is this? Jace has been funding research into a cure for David? And he hasn't stopped. Even after you left. But why? Paula, Jace may be a lot of things. But he's still your friend. Some wife. Acting like he's already. Jesus. Would have been nice to know. It's not easy to talk about him. Right now I'm worried about everyone in Aurora. Yeah. Look, it's great what Jace has done for David. But there's still a lot I can do for Haruhi and the outcasts. No, I'm not sure they're who you think they are. Nobody's clean, Nomad. I'll settle for someone who isn't trying to screw me over. My God, yaar. Abhi bhi aane ko taiyar nahi hai. Matlab kya mazak hai ye? अब जरा ध्यान सुनना कि चल क्या रहा है। मैंने पॉला के हस्बैंड की जानकारी उसको दे दी, उसके बारे में बता दिया, बट एक दिक्कत है। पॉला आउटकास्ट की हेल्प करना चाहती है, जिसमें से एक डायगोरो भी है, लेकिन दिक्कत यह है कि डायगोरो को छुपा रहा है। और जानते हो एक रहस्य क्या है? जो बॉम्बिंग अटैक हुए थे उनमें आउटकास्ट जिनकी हेल्प पॉला करना चाहती है उनका भी हाथ है। और अगर मैं कोई प्रूफ ला के, यानी कोई सबूत ला के पॉला के सामने पेश कर दूँ कि नहीं, जिनकी वो हेल्प करना चाहती है वो गलत हैं, तो शायद नहीं, पक्का है कि पॉला फिर मेरी हेल्प करने को तैयार हो जाएगी। मैं यार समझाता अच्छा हूँ ना, पूरी स्टोरी सुना दी मैंने आपको। तो पॉला के हस्बैंड की जानकारी मैंने दी, पॉला का ट्रस्ट हमने गेन कर लिया। और चार लोकेशंस हैं, मैं आपको बताऊं। मैप पे देख रहे हो ना, मैप पे देखो नीचे राइट साइड में, एक दो तीन, एक तो एक जगह तो मैं ऑलरेडी आया हुआ हूँ, तीन जगह और दिखा रहा है।
तो यहाँ पे जाके हमें कुछ फाइंड करना है, छोटे छोटे सीक्रेट्स कुछ हो सकते हैं जो मैं यहाँ से फाइंड करके निकल जाऊँ तो वो सबूत पेश करने के बाद पाउला मडेरा को उनको पाउला को यकीन हो जाएगा कि वो उनकी हेल्प करना चाहती है, वो अच्छे लोग नहीं है। और फिर पाउला फिर हमारी हेल्प करने को तैयार हो जाएगी। आ जाओ देखते हैं अब यहाँ पे कौन सा रहस्य छुपा हुआ है। कुछ फाइल्स को उधेड़ना पड़ेगा, किसी को मारना पड़ेगा, कुछ चीजें उथल पुथल करनी पड़ेगी, तब जाके हमें मिलेगा कुछ यहाँ पे आइटम। ओ वाओ 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 बेबी। न्यूक्लू फाइंड व्हाट इज द न्यूक्लू सेंट्रल मिशंस ऑर्डर्स। ओह लेफ्टिनेंट इंटेल हैज आईडी सेवरल आउटकास्ट शेयर्ड विद द इंफिनिटी कोर द टेररिस्ट डैगोरो इटो कुड बी यूजिंग दिस हाई आउट टू एक मिनट जिस डैगोरो को हमने बचाया था, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे मिशन ऑर्डर में, द टेररिस्ट डैगोरो इटो कुड बी यूजिंग दिस हाई आउट टू इवेट कैप्चर और किल दिस हाइड आउट इन द पोलोरिस रेजिडेंट इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंफिनिटी वॉर लॉन्च। ओ माय गॉड, यानी कि जिसको बचा के लाया है डैगोरो को, जिसको इतना ट्रस्ट कर रही है बंदी ये, वो एक्चुअल में एक आतंकवादी है। ओके सो एक मिनट, लेट्स ट्राई द मैप। बोल अब यहाँ जाना है हमें, यहाँ जाने के लिए मेरा चॉपर कहाँ है? ये रहा, जरा सा क्रेट वेट चेक कर लूँ फिर आगे बढ़ूँगा। ओह नाइस। चलो फटाफट निकलते हैं यहाँ से। वैसे दूर कितना है ये? 1.2 किलोमीटर। नहीं, चॉपर से चलेंगे क्योंकि टाइम लगेगा ऐसे गाड़ी वाड़ी जाने में। बाइक ले ले क्या? हाँ यार बाइक ट्राई करते, काफ़ी देर से हवा में ही चल रहे हैं। लेट्स ट्राई द बाइक नाउ। यहीं कहीं खड़ी तो ये रहा। अब अगर ऐसे चलाऊंगा तो कल तक पहुँच ही जाऊँगा। रोड यहाँ बिल्कुल मक्खन की तरह बनाए गए हैं, देख रहे हो? मैं जबरदस्ती यहाँ पे डांस करते हुए। ओह वेट ऐसे रोड होते अपने गाड़ी चलने का असली मजा आता है। ये ऊपर क्या हो रहा है? कुछ क्रैश हुआ है, कोई प्लेन व्लेन कुछ ऐसा लग रहा है। अब मैं दिखाता हूँ आपको ये किक। यहाँ पे हेल्थ थोड़ी सी डाउन होती है बट कोई बात नहीं। यहाँ पे यार एनिमीज तो बारे बाबा रे इतने सारे हीट। एक काम करते हैं ज़रा यहाँ से, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले माहौल की जानकारी ले लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इतने हीट आ रहे हैं मतलब कि एनिमीज यहाँ ज़बरदस्त हो सकते हैं। All right, let's go. अच्छी बात है मुझे बहुत दूर तक नहीं जाना है। जो भी है वो यही मिल जाएगा इस घर के अंदर। Oh my god, calling reinforcements. XP level up. That's good. जरा सा खुद को पहले हील कर ले फिर आगे बढ़ते हैं।
Come on. That's all they got, fellas. New clue. Let's check that out. What is this? High power battery tactical plan. Check the maximum load. क्या बना रहे हैं ये? Projectile, projection, accumulation, whatever. Paula Madeira battery plans. Okay, ठीक है. Go back to Daigoro. यहाँ से निकलते हैं. जो भी रहस्य है डाइगोरो का वो तो आज क्लियर करके ही रहेंगे. ओ तेरी, ओ माय गॉड, सामने एक बंदा है जो गोली चला रहा है लगातार. नमस्ते जी, आपकी तो डायरेक्ट लूंगा मैं, ऐसे नहीं. आ जाओ. चलो चल के फटाफट टैगोर से मुलाकात करते हैं, फिर देखते हैं उसका क्या कहना है इस बारे में. ओ हो 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 हो, आराम से. Let's go. अगर रुकने कोई मतलब नहीं है. चॉपर है यहाँ पे क्या? एक मिनट, यहाँ चॉपर अगर हुई तो डायरेक्टली से निकल जाएंगे ना. आई डोंट थिंक सो, बट फास्ट ट्रेवल तो यूज़ कर सकता हूँ मैं. ओहो, फाइट में हूँ ना अभी. गाड़ियाँ तो यहाँ पे एक से बढ़ के एक भयंकर दे रखी है, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन है मेरे किसी काम की है मैं, लेकिन की और लेते हैं. देखने में सेक्सी लग रही थोड़ी है. ओ वेट 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 वेट, हेलो बेबी, कहाँ थी जाने जहाँ. क्या गाड़ियों में सप्रेसर लगा हुआ है? बिल्कुल आवाज ही नहीं है. गिरना नहीं, बस गिरना नहीं, गिरना नहीं. Awesome. अब डेगोरो भाई बताएंगे क्या कि एक्चुअल में चल क्या रहा है उनके प्लान के साथ, और वो आई है जो टेररिस्ट वाला लगा हुआ है उनके साथ ये टैग, उसका मतलब क्या है. Are you all right? Yeah, I'm in one piece. I found a workshop. Maybe it was yours. There were some blueprints Paula had drawn. There isn't time. That Sentinel platoon took some of our supplies. Critical supplies. We won't survive without them. Please, help us get them back and take them to our rally point. Yeah, fine. But I'm hanging on to these documents.
डायगोरो साहब का कहना है कि एक ट्रक है ये सामने वाला जो इनका कुछ सामान वामान लेके जा रहा है सेंटिनल्स, तो ये मैं इनसे वापस लेके आऊँ। तो ठीक है, ये वाला मिशन इनका भी कंप्लीट कर लेते हैं। ट्रक से सामान लेने का एक तरीका है, समझ में आ तो रहा है। थोड़ा आगे खड़ी करते हैं क्या अपना ये चॉपर, यहाँ लैंड करते हैं। ये तो गए, रुक जा यार, भाई रुक जा। दे मैं रुकूंगा इसे। जी और बाहुबली यार ये क्या मजाक है, मतलब ओ भाई ओ शिट ओ नो 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 नो। गोलियां क्यों लगी नहीं इसे, मे बी कुछ होगा, आई डोंट नो। लेट्स गो। दैट मदरफकर, एनफ ऑफ मडीरास बैटरी पावर हियर टू ब्लो अप द एंटायर आइलैंड। मतलब कि एक मिनट, अभी जिसने बोला जैसा कि नोमैड ने, इसका मतलब क्या हुआ कि डायगोरो मेरा इस्तेमाल कर रहा है अपना काम निकलवाने के लिए? ओह मतलब इसे भरे हुए हैं पूरे के पूरे एक्सप्लोसिव इतने कि पूरे के पूरे ओरोवा नहीं पूरे पूरे आइलैंड ही उड़ा दें। ओके सस्पिशियस नॉइस, बट जो भी हो अब वो तो डायगोरो ही बताया ही क्या करना है इसका। अगर ये ट्रक सही सलामत उसे पहुंचा पाया तो कहाँ है डायगोरो? Where the hell is that son of a bitch, Daigoro? He went to the South Cape whaling station to see his sister. What's wrong? Don't worry, Daigoro will hear all about it. अब होगा ना कुछ मस्त वाला मिशन। चलो 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 चलो। ये है कहाँ पे वैसे? Where's your worm of a brother? Nomad, are you okay? Oh, wait! Yeah, wait a bit. You piece of shit. You tell a motherfucker when you have him chase down a truck full of explosives. Or were you trying to kill me? Huh? What's up with these blueprints? You into engineering? Or you just bombed the shit out of 30 people? Don't hurt him! Please, just let me explain. Don't tell me this was your idea. Now wait, just You're wait. A fucking terrorist and you tried to blow my ass up. It was a mistake, okay? He got scared. The building was supposed to be empty. इन लोगों को लग रहा है कि अब बिल्डिंग खाली है और इन्होंने पूरा बिल्डिंग उड़ा दिया। वैसे धमाका इतना जबरदस्त नहीं था।
The lab was supposed to be empty. We were given bad information. You two are idiots. So are all the rest of your outcasts. The future must be human. Project Deus wants to make computers that are smarter than we are. What about Paula Madeira? Hmm? She give you those blueprints? No. Daigoro figured out how to use her energy cells as an incendiary device. We kept it secret from her. Especially after we killed those people. Paula is too important to us. Are you still gonna kill us? Someone should. Not your judge, Daigoro. For now, I'm outnumbered, so I need you. But I'm still gonna tell Paula what you and your sister did. Brute Squad. Tell her I'm sorry. Chalo. Talk to Paula Madeira. अब बताते हैं इसको कि एक्चुअल में क्या कहानी थी. अब वो ट्रस्ट करेगी हमारे ऊपर और आने को रेडी हो जाएगी. फिर लेंगे उसकी जानकारी, उससे जानकारी लेंगे फिर उससे. बहुत टाइम लग गया लेने में जानकारी. Hey you. Leave me alone. I don't have energy for a fight. Look, I'm not here to fight. But I have to tell you. Haruhi and Daigoro. You bombed that Skelltech lab. I heard the rumors. But Haruhi and Daigoro would never hurt anyone. You know, they didn't mean to. But they did. I always thought... I don't know. Someone was trying to set them up. Make them look like terrorists. And they used one of your energy cells as the bomb. Daigoro was able to adapt the technology. And Sentinel... I figured out how to do the same thing. Oh, hell. Ab to manegi ye. All right, let's go. You gonna be okay? You know that phrase, the truth will set you free? Yeah, I've read it. It's not true. I know what Jace has done for my husband. And I know what Haruhi has done with my technology. Let's go to Jace. Finally! Finally! Thank you so much, yaar! Baap re baap, itna sara matlab... Okay, oh my god. Is this how you thought things would turn out for you? Chup ho ja yaar. Madeira, kahan gaye ho? Let's go. Now you heal up quick. Everything but my pride. What the hell, Paula? You're going with Brute Squad? Back to Skell? Hello my dear Kingsman, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन में क्लिक करना मत भूलना और सब्सक्राइब पे क्लिक करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना और ऑल सेलेक्ट करना ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए. पूरी बिल्डिंग उड़ाने के बाद अब बात कर रही है. I can't stay. Jay Skell is a fucking monster. What does that make you? Look what you've become. I turned myself into the person who could fight this fight. You're just giving up? No. I am choosing my battles. Ready to go. Awesome. Wait, please, Sentinel, we found out that they have three of your batteries.
They've learned how to turn them into explosives. They have lots of explosives. These batteries are tiny. They can be put into very little drones to make very big booms. Sentinel plans to set them off in the entertainment district to frame us. False flag operations. Definitely sounds like Stone. Yeah. Stay. And we can fix this together. No. Tell me where they are and I will fix this. Fine. Not without me. And I know where the schematics are. I want to destroy them. Great. Buddies do anything to provoke. All right guys, so ye Madora, Madeira jo bhi hai, ko main next mission mein leke jata hu. Is shoppers leke jaunga. Aur fir hum bachayenge unki band jo wahan pe bana rahe hain explosive aur fir Madeira ko leke jayenge apne jagah pe, apne area mein. But ye sab kuch karunga main agle episode mein. Thank you so much guys. ये बूम बूम जो भी था आज का देखने के लिए और कोड भी आज का ये होगा. सो खैर मैं थोड़ा अब ठीक फील कर रहा हूँ. सो मैं कोशिश करता हूँ कि नए वो बाकी गेम्स के वीडियोस भी आपको जल्दी जल्दी अब देता रहूँ. सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो और प्लीज़ कमेंट करना है कैसा लगा आपको आज का मिशन. जल्दी मुलाकात होगी और अपना ख्याल रखिएगा. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.